माघ पूर्णिमा व्रत 26 तारीख 27 तारीख पूर्ण कथा। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शोणादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुष्य, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। इस कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा सर्वश्रेष्ठ कहता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। उसी लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। वह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपनी कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किसी यत्न के करने से ही निश्चय मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वन चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखिए। तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री नारायण सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही या सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस किस यह व्रत करना चाहिए, हे भगवान मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य से सत्यनारायण की शाम ब्राह्मणों के साथ बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया ले हुए गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। द्वितीय अध्याय। तो सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, जिसमें पहले समय में इस व्रत को किया है वह मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे जाकर जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय बताते हो तो कृपा कर बताइए। वृद्ध तो ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य कहूँगा। तो यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई, वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में कुछ धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होगा और आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। तब नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, विप्रों में अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा से सूत जी बोले कि हे
मुनियों जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धनेश्वरी के साथ बंधु बांधव के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वहाँ लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर कहा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, किसका व्रत कर रहे हैं, तो कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सतनाम भगवान का व्रत है जिनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तो भगवान के चरण मतले भूखे बाल अपने घर को गए। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया उस जो वहाँ पर उसने उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चुगने मिले। तो वह बूढ़ा लकड़ा दाम ले अति प्रसन्न होकर केले के फल शक्कर घी दूध दही घी एवं चूर्ण इत्यादि के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गए। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया और इस से उसे बहुत ही धन और पुत्र की प्राप्ति और संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। तो सूर्य बोले कि श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता वो जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता हूँ गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। तो उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली वो सती साध्वी थी। बद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सतनाम भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन भक्ति उचित से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु अपने बांधु के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान राजा भगवान का व्रत कर रहा हूं। तो राजा के मुख सुनकर साधु आदर से बोला कि राजन मुझसे इसका विधान कहो, मैं भी इस कथनानुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत को समाचार सुना तो जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सतनाम भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। दसवें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो संकल्प किया था आप उसे जरूर करिए। तो साधु बोले कि कन्या के विवाह पर करूंगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देव नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। और साधु ने जो नगर में सखियों के साथ अपने पुत्र को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई विवाह देख कर आओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचे नगर पहुंचे और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए वणिक पुत्र को ले आया। तो उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित होकर श्राप दिया कि उसे दारुण ने दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नापुर नगर में आया और वहाँ दोनों ससुर जमाए चंद्र केतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सतनाम की कृपा से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को कहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाए ठहरे हुए थे वहाँ, तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये चोर पकड़ कर लाए तो देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन कर लिया गया। सतनाम भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी तो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सतनाम भगवान का व्रत देखते हुए कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि पुत्री कहाँ रही थी, तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि माता मैंने एक ब्राह्मण के घर से सतनाम भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधु सहित श्री सतनाम भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए, साथ ही प्रार्थना की कि हम आप सबका अपराध क्षमा करो। सतनाम भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन दोनों ऋषियों को प्रातः और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो,
तो कहा कि मैं तेरा धन और राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्र केतु ने सभा में अपना स्वप्न सुना। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा नमस्कार किया और राजा मीठी वचनों से बोला कि महानुभव भावी वश्य से कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने नए वस्त्र आभूषण देकर उनका जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्यों ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सतनाम भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है अभिमानी? वणिक हंसा हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पहुँचते? क्या धन लेने की इच्छा है? तो मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठो वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची उठी दे कचंबा किया और नाव में बेलपत्र आदि को देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप था, उनकी शरण में चलना चाहिए तो वह हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दामाद के वचन सुन कर दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे अत्यंत असत्य वचन कहे थे, उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर वह श्रोताकुल होकर रोने लगा। जब दंडी भगवान से बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा भी कोई नहीं जान सकता, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? तो आप प्रसन्न हुई है, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। और उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्हें नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सतनाम का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो दूत को घर भेजा और दूत के साधु के घर जाकर अपनी उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु, अपने दामाद सही इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। तो ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत तो प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी तो बोला कि प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई उसे क्षमा करना। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या अगर मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है, यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पता अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए और तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु से सत्यदेव का विधि पूर्व पूजन किया, इस को भोगकर सुख में अंतर्ध्यान को हो गया। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद ताकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधनों सहित श्री सतनाम भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा को देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया, उन्हें ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद त्याग अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सतनाम देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक दुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य दोला व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन दाने की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी मन से मुक्त होगा। जिन्होंने इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। हर्ष सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वैश्य मोरध्वज स्वयंभू होकर मनु भगवान में भक्तियुक्त कर्म को मोक्ष प्राप्त हुआ। इति श्री सतनाम व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण।